हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम डाउनलोड करना सीखेंगे पाइथन का आईडीएल, या कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस साथ में मैं आपको सिखा दूंगा कि वीएस कोड में आप इसे पाइथन के प्रोग्राम वगैरह को कैसे रन कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग वगैरह करनी पड़ सकती है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा कोई भी एक ब्राउज़र, जैसे मैं फायरफॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। मेरा आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आपका, उसमें आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आकर नॉर्मली लिखना है पाइथन, ठीक है। ये पाइथन आप जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको एक पाइथन की साइट मिल जाती है, वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने पाइथन का पूरी वेबसाइट है, जो कि ये रियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अबाउट, डाउनलोड्स वगैरह बहुत कुछ देखने को मिल जाता है इस साइट पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाइथन का अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.11.2, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ से ये वाला डाउनलोड कर सकता हूँ सीधे, या आपके पास मैक वगैरह हो तो मैक ओएस के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और विंडो के लिए आपको और भी दूसरे वर्जन्स वगैरह देखना है पाइथन के, जितने ये वर्जन्स आ चुके हैं, और आपके पीसी के हिसाब से आप 64 बिट, 32 बिट, जो भी आपका पीसी की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर करूँगा हमारा जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसे ही मैं डाउनलोड करता हूँ। बट ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसे डाउनलोडिंग को रोक देता हूँ, मैं इसे डाउनलोड नहीं करता हूँ। तो आप इसे डाउनलोड करके नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम रहता है, जैसे हम एक कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जाकर सर्च करना है आईडीएली, और यहाँ पर चेक करना है। तो आपका प्रोग्राम जो भी रहेगा, मतलब अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपके सामने एक कुछ ऐसी आईडीएली की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम एक हेलो का प्रोग्राम बनाकर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि हमारा आईडीएली काम भी करता है कुछ इस तरह से। प्रिंट तो मैं डबल कोट के अंदर यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, और मैं इंटर मार देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि हमारा हेलो का प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पाइथन इंस्टॉल, और इसकी हमारी टेस्टिंग भी हो चुकी है, ठीक है। अब वीएस कोड में हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, अब यह सवाल आता है। तो हमारा वीएस कोड कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है वीएस कोड का, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीएस कोड भी आपके पास नहीं हो और आपको डाउनलोड करना हो, तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप हमारा वीएस कोड खोलेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पर इसके यहाँ पर सेटअप से डाउनलोड करना पड़ेंगे पाइथन के लिए। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं, एक तो पाइथन यहाँ पर सर्च बार पे जाना है, ठीक है। यहाँ सर्च कर लीजिए आप पाइथन, तो यहाँ पर पाइथन का एक्सटेंशन आ जाएगा आपके सामने, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है, जो कि मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है। एक एक्सटेंशन आप और इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका नाम है कोड रनर, जो कि ये है, ठीक है। तो कोड रनर आपका C++, जावा, पाइथन, बहुत सी लैंग्वेजों को रन करने के लिए ये एक्सटेंशन आपके काम में आ जाएगा। तो ये सेटिंग आप जैसे ही कर लेते, तो आपका यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम आराम से रन हो जाता है। जैसा कि मैं आपको एक प्रोग्राम कोई सा भी रन करके दिखा देता हूँ हेलो का, यहाँ पर वापस, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर हम सेव कर लेते हैं कि test.py, ठीक है। py मैंने इसका एक्सटेंशन दिया है, जो कि हमें देना पड़ता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, तो हमारे पीसी को बताना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, प्रिंट हेलो, ठीक है। अब मैं इसे रन करवाता हूँ, सेव करके, कंट्रोल एस कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब रन करवाने के लिए मैंने वहाँ पर दबाया, और यहाँ पर टर्मिनेटर में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नीचे कि मेरा आउटपुट आ चुका है लोगों का। तो ये हमारी इंस्टॉलिंग मैंने आपको पूरी समझा दी है पाइथन की, आप इंस्टॉलिंग कैसे कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।